तो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि टीडीएम में कमेंट्री कैसे करते हैं, लेकिन मैं मेरी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे सामने बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, इनको तुम लेजेंड वगैरह कह सकते हो, और वो है भी, लेकिन हम अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये उनकी दया पे है, अगर वो हमें जीतने देंगे तो हम जीत जाएंगे, वरना हम क्या है, फकीर आदमी है। झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या बात तो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीडीएम में पहला किल करना। अगर तुमने पहला किल पहले कर दिया तो तुम्हारा वहाँ पे दबदबा बन जाएगा और फिर तुम्हारा जलवा हो जाएगा, सामने वाले के मन में दहशत फैल जाएगी और तुम जीतने लग जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। पहला किल कौन करता है और दूसरा किल कौन करता है, उस पे कोई भी चीज डिपेंड नहीं होती है, कोई भी किसी को कभी भी पेल सकता है। और टीडीएम है क्रिकेट जैसा, अगर क्रिकेट में एक बॉल में 6 रन चाहिए या फिर 7 रन चाहिए तो भाई बॉलर कभी कभी व्हाइट बॉल डाल देता है और कोई बैट्समैन छक्का जड़ देता है, 7 किल हो जाते हैं एक ही बॉल में, है कि नहीं। तो ऐसा ही टीडीएम में होता है, पहले पहले दिखने पे लगता है कि भाई साहब ये तो हार रहा है, ये हार जाएगा, ये वो हो जाएगा, लौड़ा लसन, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता है वैसे वैसे हमें लगता है भाई साहब नहीं 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 ऐसा तो रिजल्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता है भाई, चमत्कार हो जाता है कभी कभी। बड़ी बड़ी बात मत छोड़। माई कॉल पे रखना, ठीक है, मजा आएगा थोड़ा। अच्छा ठीक। तो भाई मेरे को लगता है इन भाई साहब का प्लान है हमें माइक वगैरह खोल के पेलने का, मतलब मारने के बाद ये भाई साहब हमको रिएक्शन वगैरह दे देंगे। अरे भाई मेरे को गाइस लग नहीं रहा कि इसमें मेरी दाल गल पाएगी, क्योंकि उनके 3 किल हो चुके, हमारा 0। चलो भाई ठीक कर दो बस एक बार। चलो भाई 1 किल हो चुका है, किस्मत से, अब इसको हम किस्मत ही कहेंगे, क्योंकि अगर उसने पीक ना किया होता तो हम शायद उसको मार पाते। अब यहाँ पे 3-1 का स्कोर हो चुका है। अब वैसे मैं जंप वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही प्रो हूँ, और मैंने अब तक आज तक जिंदगी में कभी भी खुद को ऐसा नहीं बोला है कि मैं बहुत ही तगड़ा खेलता हूँ और मैं ऐसा खेलता हूँ वैसा खेलता हूँ, क्योंकि भाई मुझे मेरी असलियत पता है, मैं बढ़िया नहीं खेलता तो नहीं खेलता। अगर मैं किसी को मार रहा हूँ तो ये उसकी प्रैक्टिस की कमी है, और अगर मैं किसी से मर रहा हूँ तो ये मेरी प्रैक्टिस की कमी है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा उससे ज़्यादा तो वो मुझे मार ही देगा ना, है कि नहीं। भाई साहब प्रैक्टिस तो इसकी तगड़ी लग रही है। खत्म। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? For the red team. Well done. तालियां होनी चाहिए। निकलता नहीं है बिल्कुल, रिक्स नहीं लेने का।
अबे लौड़े। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक किल चाहिए हमको। अगर हमने एक किल कर लिया तो हम उनकी बराबरी में आ जाएंगे, और नहीं किया तो हमारा हारना यहाँ पे पक्का हो जाएगा। कहाँ से आओगे, आओ चलो भाई। अब ये मारने के बाद तुमको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही खतरनाक खेलता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुक्का लग गया तो लग गया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं? हर बार तो नहीं होता लेकिन कभी कभी हो जाता है। कहाँ पे भाई? हेड लग गया है, बहुत ही सही। कहाँ पे है आप? अब आओ, किधर हो? अरे ये रहा, बहुत ही सही। ओ भाई साहब, पांडू पांडू समझा क्या? मराठ है भाई। 11 किल, 10 किल भाई। मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतने आगे पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब हो रहा है तो हो रहा है, चाहे अपने लिए। तो भाई अब ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। अब ये गुस्से में जब आता है तो बहुत बहुत पीलता है भाई साहब। मर्चा मर्चा मर्चा। ओहो, अब यहाँ पे 32 सेकंड 30 सेकंड है, मतलब इसमें से इनको 2 किल करने पड़ेंगे तब ये मैच टाई हो जाएगा। लेकिन मैं कैंपिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये रहा, अब दिया। हग दिया, अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हग दिया। खत्म, खेल खत्म हो गया, मैच हो गया टाई। चलो भाई, चलो भाई, कोई बात नहीं गाइस, टाई हो गया, यही बहुत बढ़िया है मेरे लिए, नहीं तो मैं हार जाता बहुत बुरी तरीके से। लेकिन बहुत ही मजा आया खेल के, और हमारे वेनम भैया को भी बहुत बहुत थैंक यू, वो हमारे साथ खेलने के लिए आ गए। तो भाई बस यार, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।